हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज मैं फिर से जा रही हूँ मार्केट। वैसे मुझे मार्केट जाना पसंद नहीं है, सोशो ने पिछले 3-4 दिन से मार्केट ही जा रही है, वहीं के ब्लॉग्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे किसी काम की वजह से जाना पड़ रहा है। पिछले 3-4 दिन से मैं 4 क्या 5-6 दिन हो गए शायद से कि मेरे को डेली जाना पड़ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, लेकिन आज मेरे को किसी काम की वजह से जाना पड़ रहा है। मेरे को शॉपिंग करनी थी, मुझे सूट लेना था, मैंने पिछले ब्लॉग में भी जैसे दिखाया था, इतना टाइम है नहीं कि मैं ऑनलाइन लूँ, तो इसी वजह से मैं आज जा रही हूँ मार्केट। और वहाँ मेरे दी वेट कर रहे हैं, उनसे मिलना है और उनके साथ ही फिर मैं आगे शॉपिंग करूँगी। और ब्लॉग मेरा यही रहने वाला है, आज का शॉपिंग से ही रिलेटेड। आई होप आपको पसंद आएगा, तो एंड तक ज़रूर देखें। अभी मैं निकली हूँ, अभी हम ढली पहुँचे हैं, ढली से निकल गए हैं सिंचौली के लिए, तो अभी हम आगे जा रहे हैं। मेरे को पापा छोड़ रहे हैं सिंचौली तक, इन्होंने गाँव जाना है तो सिंचौली तक मुझे छोड़ेंगे, वहीं से ये चले जाएँगे। और मैं हो गई हूँ काफ़ी लेट, सुबह तैयार होने में भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी मैं, अभी मेरे को काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ी है कि जल्दी से चल पड़, पापा को गाँव जाना है बहुत ज़रूरी काम से। तो मैं अब आपको आगे ही मिलती हूँ, बस में जाऊँगी शायद, जैसा भी रहेगा तो मैं आपको आगे ही मिलती हूँ। बस में यहाँ से इसमें बस में जाऊँगी, लेकिन अभी यहाँ पे बस खाली है बिल्कुल, अभी तो जाएंगे नहीं। भाई आराम से जाओ। हाँ नहीं, नीचे से जाओ, वहाँ से आपको ना ट्रैफिक नहीं होगा, सिंचौली में ट्रैफिक होगा। बाय बाय। तो मैं पहुँच गई लकड़बाग बाजार बस स्टैंड, अब मैं लोअर बाजार को जाऊंगी, वहीं पे मुझे दीदी मिलेंगे। तो मैं पहुंच गई हूँ बाजार, सुबह सुबह अभी भी शॉप्स खुली है, वो तो माल है भाई। और सुबह सुबह उतना ज़्यादा रश होता भी नहीं है, तो सही होता है सुबह सुबह शॉपिंग करना। तो दीदी ने मुझे कहा था वो यहाँ पे है, लेकिन मुझे दिख कहीं नहीं रहे। वो लोग यहाँ पे है, ये रहे। तो मैं उन लोगों का यहाँ बाहर खड़े होकर वेट करती हूँ, अंदर मसालों की बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, इसलिए हम करी जा रही। ये लोग आगे हैं। नमस्ते जी, कैसे हो? नमस्ते जी। मैं यहाँ घर में यहाँ पे देख रही थी वाली शॉप में कि यहाँ पे बोला था। फिर किधर जाना? तो यहाँ पे ये नाइट सूट देख रहे हैं, ये अच्छा है, ये वाला कलर भी बहुत प्यारा है, पतला, ये ना गरम होता है, ऐसे देख के पतला है ना, पर बहुत वार्म होते हैं। मेरे यहाँ एक शॉप है ना आगे, यहाँ मुझे साड़ी देखनी है। पूछ जो सूट मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ ऐसा किसी भी शॉप में नहीं मिलता। तो अभी दो शॉप से साहिबा और शहजादी, वहाँ जाके देखते हैं अगर मिलता है ठीक है, अदरवाइज शायद साड़ी लेनी पड़ेगी। और जो साड़ी मुझे पसंद आई थी वो भी बिक गई है, वो भी मुझे नहीं मिल रही है। अभी भी कुछ चीज़ पसंद आए ना छोड़नी नहीं चाहिए, वरना वो हाथ से निकल जाती है। तो ये है विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023 पंजाब नेशनल बैंक वाले। तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक है तो उसके लिए लोग अवेयर करने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं पंजाब नेशनल बैंक वाले। से नो टू करप्शन। आज बिल्कुल खाली है, अभी सुबह सुबह ऐसे में चलने का बड़ा मज़ा आ रहा है, नहीं तो परसों आई थी मैं, इतना ज़्यादा रश था ना कि चलना भी मुश्किल हो गया था। तो जैसा सूट मुझे चाहिए था वैसा सूट यहाँ पे तो कहीं मिल नहीं रहा है, तो शायद मेरे को मिलेगा भी नहीं। तो कृति दीदी बोल रहे थे कि उनको वैसा सूट को अरेंज कर सकते थे, पर अभी टाइम नहीं है, 2 दिन के बाद मुझे शादी में जाना है। अब मैं देखती हूँ कुछ यहाँ पर मेरे को मिलता है तो ले लूँगी, नहीं तो मैं फिर देखते हैं क्या अरेंज होता है। तो अभी मैं जाती हूँ रूप, यहाँ पर देखती हूँ, यहाँ पर वैसे मुझे मिल जाता है बट देखते हैं। तो रूप में भी मुझे पसंद नहीं आया, सूट भी नहीं और साड़ी भी नहीं, जैसे मुझे चाहिए वैसे मिल ही नहीं रही है कहीं पर। तो मैंने साड़ी ले ली है, मुझे मुश्किल से साड़ी पसंद आई है एक, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, वो मैं नेक्स्ट फॉर्म में दिखाऊंगी। अभी उसी के लिए मैं जा रही हूँ, उसकी स्टिचिंग के लिए ब्लाउज़ की मेजरमेंट लेने को, फिर कल मैं उस साड़ी को ले लूँगी, परसों से नेक्स्ट डे मैं उसको पहनूँगी। तो जी मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, मैंने जो सामान लेना था मैंने ले लिया है। तो अभी हम कुछ खाएंगे फिर और ज्ञान के स्कूल जाएंगे और वहीं से घर चले जाएंगे फिर। तो अभी हम फ्री हो गए, अब हम जाएंगे ज्ञान के स्कूल इसको लेने। यहाँ पे दीदी ज्ञान के लिए कुछ ले रहे हैं, स्कूल के बाद वो
जरूर मांगता है कि मम्मा मेरे लिए क्या लेके आयो। तो व्यान को पता है मैं आ रही हूँ, ठीक है, देखते हैं उसका रिएक्शन कैसा आता है फिर आज। तो अभी एक किस्सा सुनाती हूँ ना मैं आपको, मैंने सुनाया था पहले ये चीज़ ब्लॉग में नहीं बोली थी शायद। एक दिन हम व्यान को लेने स्कूल गए थे, मतलब वापस लेने के लिए, तो मैं वेट कर रही थी साइड में, तो मेरी एक होशियार बहन ने क्या किया, मैं साइड में वेट करने रह गई, इन्होंने व्यान को लिया ओल्ड बस स्टैंड में भी, और मैं फिर भी वहाँ खड़ी होकर वेट कर रही हूँ व्यान का। शोर 10-15 मिनट मेरे को वेट करके हो गए, और एक दीदी थे वहीं पे, एक बच्चे की मम्मा, वो मुझे इशारा करके बोलते कि आ गया क्या व्यान, मतलब नहीं नहीं अभी कहाँ आया। तो मुझे रियलाइज़ हुआ ये चीज़ कि बहुत टाइम हो गया, अभी तो इतने सारे बच्चे आ गए। मैंने कॉल की, तब जाके मेरे को पता चला कि ये लोग ओल्ड बस स्टैंड पहुँच गए हैं मेरे को छोड़ के। मेरा कोई याद नहीं है, मैं फ़ोन नहीं करती, मैडम जी घर में होती है अपने बच्चे को खाना खिला के साथ। मैं फिर भी स्कूल में व्यान का वेट कर रही होती वहाँ खड़े होके। स्कूल में खड़ी थी मैं व्यान का वेट करने। मुझे उसके बाद क्या बोला पता नहीं, कैसी बेवकूफ जैसी है, तुझे पता नहीं है फोन नहीं कर सकती थी तू, मेरी क्या गलती कर रहे और गलती भी कोई तो, और डांट भी मेरे को पड़ रही है। बाय बाय, अभी ये चले अपने बच्चे को स्कूल से लेने के लिए, बाय, मिलते हैं फिर कभी और। और अब ये चले अपने बच्चे को स्कूल से लेने के लिए। तो ये है मिलिट्री एरिया, ये पूरा बहुत शांत एरिया है, और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आता है आगे से। और ये यहाँ पे हमारे सोल्जर्स दिखाए हुए हैं, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने दिखाया भारत का झंडा। तो हम पहुंच गए व्यान के स्कूल, अब उसको छुट्टी होने वाली है, देखते हैं व्यान आएगा और उसका रिएक्शन देखते हैं फिर। तो यहाँ पे अभी लाइन में खड़े हैं बच्चे आ रहे हैं, जैसे दीदी भी व्यान के लिए खड़े हुए हैं। मैं तो अपने घर जाऊंगी। व्यान नहीं लड़ना है। आज की तो ये सारी आज की मेरी शॉपिंग है, देख के तो कम लग रहा है लेकिन है भी बहुत ज्यादा है। और कैमरे के आगे हाथ में बोल रही हूँ, वीडियो ठीक नहीं आई ना, तो अभी मुझे ज़रा उठा के अकेले जाना पड़ेगा क्योंकि लोग तो संजौली तक होंगे, लेकिन इसमें क्या है वो सरप्राइज है क्योंकि आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी। तो अभी हम लोग यहाँ का स्कूल से लेके आगे, तो हम बस स्टैंड जाएंगे और वहाँ से घर जाएंगे। और ये बस के लिए इतना भाग रहे हैं, और ओल्ड बस स्टैंड में तो इतनी बसेस खड़ी होती, पता नहीं इनकी अपनी कौन सी बस है। अरे रुक जाओ यार, भाग क्यों रहे हो, बहुत सारी बसेस लगी होती है ओल्ड बस स्टैंड में, तो पूरी बस खाली है फिर भी ऐसे भाग रहे थे। नहीं यार यहाँ बैठो। तो हम बस में आइए, ड्राइवर भैया ने, ड्राइवर भैया ने खाने को दिया, मैं निकालती हूँ, ला ऐसे निकलता है। हम खजूर खा रहे हैं दोस्तों, सारा खा लीजिए बेचारों का। तो ये जो बस वाले भैया है ना, व्यान व्यान के फ्रेंड है, व्यान जानता है ना, इसीलिए आपको खाने को दिया। नहीं जानते आप उनको, बस व्यान जी को 2 दिन की छुट्टी है ना, चलना मेरे घर, चलो दीदी मैं इसको अपने साथ ले आऊंगी, ठीक है, चलोगे मेरे साथ, मम्मा नहीं आएगी तभी चलोगे, मम्मा नहीं आएगी तो ऊपर को यहां को आ जाओ, ठीक है फिर, अगर बेटा उतरा नहीं जिन घर में तो मुंह आगे को करो, ठीक है मेरा। तो अब हम चले घर, इसके बाद मेरी बैटरी फ़ोन की ख़त्म हो गई थी तो मैं आगे का रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक बाय।